हेलो दोस्तों, दीप वानिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आइसिंग जेल की रेसिपी। इसको न्यूट्रल जेल या केक जेल भी कहते हैं और ये 5 मिनट में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। और इसका यूज़ आप केक पे ड्रिपिंग के साथ साथ केक पे नाम लिखने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें लगेंगी, पानी 3/4 कप, शुगर 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसको गैस पर रख देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम अभी ऑन नहीं की है हमने। और इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, शुगर और वाटर। और अब हम इसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। जब मैं इसमें कोई भी गुठलियाँ या गांठें नहीं दिखेंगी, ये देखिए इस तरीके से, तब हम अपना गैस ऑन कर देंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो कुछ देर में चलाते चलाते आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा इस तरीके से थिक होने लगेगा। और ये एकदम जेल की तरह जब आपको बिल्कुल गाढ़ा लगने लगे, तब आप गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम इस जेल में फूड कलर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको सबसे पहले छान लें अच्छे से। छानना आपको है, या तो आप कलर मिक्स करने के बाद छानिए या पहले छानिए। मैं इसको कलर में मिक्स करने के बाद अच्छे से स्ट्रेन करने वाली हूँ। तो इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक में मैं रेड कलर का यूज़ करूँगी और एक में येलो कलर का। तो मेरी तरह अगर आपको भी एक कलर का यूज़ करना है तो आप कलर ऐड करने के बाद भी स्ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आपको 2 या 3 ज़्यादा कलर्स की नीड है तो आप इसको स्ट्रेन करके तब उसमें कलर मिक्स करें तो आपके लिए ईजी होगा। तो बस कलर्स को जेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बढ़िया आइसिंग जेल बनकर बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत शाइनी है। आप चाहें तो अपने मिरर ग्लेज में भी थोड़ी सी आइसिंग जेल डाल दीजिए, विदाउट कलर डाले तो आपकी ग्लेज में भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। और आप इससे चाहें तो नाम लिख सकते हैं केक पर, और चाहें तो ड्रिप कर सकते हैं। और इस केक इस जेल से ड्रिप कैसे करते हैं केक पर, वो मैं आपको अभी तुरंत दिखाने वाली हूँ। मैंने एक केक बनाकर रेडी कर लिया है और अब मैं इस पे ये जेल डालने वाली हूँ। और इसको बनाना ही नहीं, इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको पोर कर सकते हैं केक के ऊपर, या फिर आप पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, इसको डायरेक्ट स्पून से ड्रिप करके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम केक के ऊपर सेंटर में इसको पोर करेंगे और स्पैचुला से चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका, बहुत ही खूबसूरत जेल है और बहुत ही शाइनी। तो अपने केक पे मनचाहा नाम लिख सकते हैं, या फिर केक पे ड्रिप कर सकते हैं, या फिर अपने गनाज को थोड़ा सा शाइनी लुक दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको ड्रिप केक बनाने के लिए चॉकलेट मेल्ट करने की या आइसिंग जेल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनटों में घर में आप आसानी से जेल तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है और इससे आप मनचाहे नाम लिख सकते हैं, ड्रिप केक बना सकते हैं या फिर ग्लेज में यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एंजॉय एंड स्टे सेफ।